नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरों ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। आज से शुरू होगा शाही नोहण मणिमहेश यात्रा के दौरान सबसे पहले चेले तोड़ेंगे डल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मणिमहेश यात्रा के तहत राधाष्टमी पर्व का शाही नोहण सोमवार दोपहर बाद 3:01 पर आरंभ होगा, जबकि मंगलवार 3:03 तक शाही स्नान का दौर पवित्र ढल झील पर चलेगा। इससे पहले इसी दिन सप्तमी पर पवित्र ढल झील को तोड़ने की रस्म संचुई के शिव चेले निभाएंगे। लिहाजा राधाष्टमी के पावन मौके पर सदियों से चली आ रही परंपराओं का निर्वहन करने के लिए संचुई के शिव चेलों के अलावा दशनाम छड़ी और पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की छड़ियां सोमवार को डल झील पर एक साथ पहुंचेंगी। बता दें कि मणिमहेश यात्रा को इस वर्ष भी वैश्विक कोरोना महामारी के चलते सांकेतिक रूप से ही मनाया जा रहा है। वहीं नतीजन यात्रा में राधाष्टमी के स्नान के लिए परंपराओं को निभाया जाएगा। शिमला राष्ट्रपति के दौरे से पहले रिट्रीट 3 कर्मी कोरोना पॉजिटिव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे से पहले रिट्रीट के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। इनमें राष्ट्रपति निवास रिट्रीट का मैनेजर और 2 कर्मचारी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीनों को कोविड केयर सेंटर मशोबरा शिफ्ट कर दिया है। गौर हो कि प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्णिम जयंती वर्ष पर विधानसभा के 17 सितंबर को होने वाले विशेष सत्र को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति संबोधित करेंगे और इसके लिए 16 सितंबर को वो शिमला पहुंचेंगे। हिमाचल शहरी क्षेत्रों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे, रियायत भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब 30% इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की तैयारी है। सरकार ने परिवहन विभाग को इसका प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सड़क के 7 दुकानों और पेट्रोल पंपों में चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर सरकार रियायत भी देगी। वर्तमान में हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में 120 छोटे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। पालमपुर शांता ने बेहद सादे तरीके से मनाया 88वां जन्मदिन, जेपी नड्डा ने दी बधाई। कोरोना से पत्नी को खो चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपना 88वां जन्मदिवस बेहद सादे तरीके से मनाया। हर बार पत्नी संतोष शैलजा के हाथों से माथे पर लगे लाल तिलक में दिखने वाले शांता इस बार मायूस नजर आए। पत्नी के निधन के बाद शांता ने इस बार जन्मदिन न मनाने का फैसला लिया था, लेकिन कई कार्यकर्ताओं ने घर आकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वहीं नेताओं ने भी फोन पर जन्मदिन की बधाई दी। शांता के कार्यालय में फोन की घंटियां सुबह ही बजना शुरू हो गई थी। शादी के बाद शांता कुमार का बिना पत्नी के यह पहला जन्मदिन था, लिहाजा वो अपने 88वें जन्मदिन पर मायूस दिखे। नीट 2021 प्रदेश में 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए रविवार को प्रदेश में 38 परीक्षा केंद्रों पर नीट 2021 UG का आयोजन किया गया। दोपहर 2 से 5 बजे तक परीक्षा हुई। शिमला और हमीरपुर में 19-19 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के दौरान कोविड नियमों का पूरा पालन किया गया। 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी। कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार केंद्रों में अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। शिमला में स्थापित केंद्रों में 5,100 और हमीरपुर के सेंटरों में 8,313 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में बैठे। टोक्यो पैरालंपिक रजत पदक विजेता निषाद को मिल सकती है सरकारी नौकरी। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद T47 में रजत पदक विजेता निषाद कुमार को सरकारी नौकरी के लिए कवायद शुरू हो गई है। बसाल में जनमंच के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री वीरेंद्र कंवर ने निषाद को सम्मानित करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उन्हें सरकारी नौकरी देने के लिए आग्रह करेंगे। वहीं सरकारी नौकरी को निषाद ने खुद और परिवार की जरूरत बताया है। वहीं निषाद ने कहा कि वो बेरोजगार है। हेली टैक्सी किराए में भारी कटौती, अब 5,700 रुपये में पहुंचे धर्मशाला से चंडीगढ़। कोरोना काल में हेली टैक्सी कंपनी ने धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई यात्रा के किराए में भारी कटौती कर लोगों को राहत दी है। अब यात्री मात्र 5,700 रुपये में धर्मशाला से चंडीगढ़ का हवाई सफ़र कर सकते हैं। वहीं धर्मशाला शिमला रूट पर भी कंपनी किराया कम करने की योजना बना रही है। हिमाचल प्रदेश एक कोरोना संक्रमित की मौत, 87 नए मामले।
हिमाचल प्रदेश में रविवार को 87 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कुल्लू में कोरोना संक्रमित 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं बिलासपुर में 5, चंबा में 6, हमीरपुर में 25, कांगड़ा में 27, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 9, शिमला में 5, सोलन में 3 और ऊना में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 170 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं प्रदेश में अब 1536 एक्टिव केस हैं। जनमंच जल शक्ति मंत्री महेंद्र ने खोया स्वयं फरियादी को फटकारा। नगरोटा में बारिश में 2 घंटे लोगों ने किया इंतजार। हिमाचल प्रदेश भर में कोरोना महामारी के चलते 6 माह बाद रविवार को 23वें जनमंच का आयोजन किया गया। करसोग में हुए कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने लोल गांव में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध कर रहे शिकायतकर्ता को ही फटकार दिया। मंत्री ने स्वयं खोते हुए फरियादी से वो मिस्टर कहते हुए तू तड़ाक से बात की। उधर कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा के सेरा थाना में वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया और स्थानीय विधायक 2 घंटे देरी से पहुंचे और मात्र 1 घंटे में कार्यक्रम निपटा दिया। इस बीच भारी बारिश में भीगते हुए लोग इंतजार करते रहे। प्रशासन ने भी यहां कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया था। वहीं उधर मंडी के करसोग में हुआ यूं कि गुरुबख्श ठाकुर ने लोल गांव में नगर परिषद क्षेत्र के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि प्लांट नप क्षेत्र में बने क्योंकि यहां उठाऊ पेयजल योजनाएं हैं, लीकेज हुई तो पानी दूषित होगा। 2015 में धर्मपुर बस स्टैंड भी बह गया था, तब सरकार ने निर्देश दिए थे कि खड्ड किनारे सरकारी संपत्ति पर इसका निर्माण होगा। अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम सुनते ही मंत्री भड़क गए और कहने लगे ओ मिस्टर सरकारी मंच है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिक्षक महासंघ की सिफारिश पर किया गया तबादला रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश शिक्षा महासंघ की सिफारिश पर किए गए गणित प्रवक्ता के तबादला आदेशों को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि शिक्षा महासंघ आइंदा से कोई भी ऐसी तबादला संबंधी सिफारिश नहीं करेगा जिसमें संबंधित अध्यापक की सहमति न हो। कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी को भी आदेश दिए हैं कि वो ऐसी किसी सिफारिश पर अमल न करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अब कोई ऐसा मामला शिक्षक संघ की सिफारिश संबंधी मामला कोर्ट के समक्ष आया जिसमें अध्यापक की सहमति न हो तो संघ को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। JCC बैठक में सुलझेंगे 2.25 लाख कर्मचारियों के मसले। हिमाचल प्रदेश सरकार से 25 सितंबर को प्रस्तावित संयुक्त सलाहकार अर्थात JCC की बैठक में 2.25 लाख कर्मचारियों के मसले सुलझने की उम्मीद जगी है। इसको लेकर समस्त कर्मचारी सरकार की ओर आस लगाए बैठे हैं। यह बात दूसरी बार निर्विरोध चुने गए हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव सिंह ठाकुर ने कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने संयुक्त सलाहकार समिति अर्थात JCC की बैठक 25 अगस्त को बुलाई है। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतनमान को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया जाए क्योंकि इसे लागू करने में बहुत देरी हो चुकी है, आदि मांगों को पूरा किया जाए। प्रवक्ता संघ के महासचिव संजीव ठाकुर ने कहा कि JCC बैठक की तरह अध्यापकों संगठनों की भी साल में 2 बार JCC की जाए ताकि शिक्षा वर्ग के विभिन्न मसलों का हल निकाला जा सके। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।